नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है, भारत में आपको जो है कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सब करेंगे, देखेंगे भारत में वर्तमान समय में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, वन संरक्षण अधिनियम कब आया, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब आया। तो इन सभी चीज़ों के विषय में हम सब महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे। उसके अलावा हम सब जो देखेंगे कि भारत में वर्तमान समय में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, आप सबको पता ही होगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित बातों को आज हम सब जानेंगे। कौन कौन से राज्य में कौन कौन से अभयारण्य हैं, इसके विषय में भी हम सब शानदार तरीके से देखेंगे। तो आइए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये आपको श्रृंखला शुरू करने से पहले शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से महत्वपूर्ण आपको जो है कुछ कोर्स संचालित है, जिसमें सुपर टेट का कोर्स है, ठीक ना। सुपर टेट का कोर्स आपको 1699 रुपये में आपको उपलब्ध है, ठीक ना। तो ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है कि यूपी टेट का भी कोर्स आपके लिए 900 रुपये में उपलब्ध है। ये यूपी टेट जो है बेटा, ये उन लोगों के लिए है जो बीएड क्वालिफाई है या बीटीसी जो किए हैं, उनको यूपी टेट मस्ट है क्वालिफाई करना, ठीक। यूजीसी नेट ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह में पहला कदम माना जाता है कि आप यदि पीजी 55% मार्क्स के साथ किए हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, शिक्षा जगत में उच्च शिक्षा जगत में सेवा करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह सुनहरा अवसर उपलब्ध कराता है। इसके अलावा एसएससी जीडी शानदार तरीके से जो सेना की सेवा करना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, उनके लिए हमारी संस्था आप सबको सुविधा उपलब्ध कराती है। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण आपको राज्य है और लगभग मैंने सभी राज्यों से इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है उसे टच करने का प्रयास किया है। ऊपर से आते हैं, ये देखिए ये लद्दाख है। लद्दाख में हेमिस हाय राष्ट्रीय उद्यान सबसे महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी हम इसे जानते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, उसी के जस्ट नीचे ये जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर से आपको काचीनाग, दाचीग्राम, सिटी फॉरेस्ट को सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी हम सब इसे जानते हैं। तो दाचीग्राम जो है ये बहुत प्रसिद्ध है। दाचीग्राम कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है और हांगुल मृग के लिए ये प्रसिद्ध है। ये बात भी आप याद रखिए, ठीक ना। हांगुल मृग के लिए ये प्रसिद्ध है और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर इसे हम सब जानते हैं। तो ये बात भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपको जो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा है, ठीक ना। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखिएगा, ऐसी गलती ना करिएगा। सुल्तानपुर यूपी का जिला है और जिला उत्तर प्रदेश समझकर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश लगा रहेगा। आप सब गलती इस तरह की गलती नहीं करिएगा। तो गलतियों से बचने के लिए आपको एक सुनहरा अवसर है कि चीजों को ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ये राजस्थान से केवला देव, जो कि घाना पक्षी विहार के रूप में इसे जानते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। पक्षी अभयारण्य के रूप में इसे हम सब जानते हैं। रणथंभौर सरिस्का डेजर्ट, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में पाए जाते हैं। ये मैं जिला लिख दे रहा हूँ राजस्थान, ठीक ना, राजस्थान से है। ये आपको लद्दाख से है, लद्दाख, ये JNK जम्मू एंड कश्मीर से, ये हरियाणा है, ठीक, सब देखते चलिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपको जो है गुजरात राज्य है और गुजरात से गिर अभयारण्य, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन कच्छ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको इसी अभयारण्य में भारत का पहला एशियाई शेर जिसे बब्बर कहा जाता है, ये परियोजना भी 1972 में इसी अभयारण्य से शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, MP है, ये गुजरात है, ये MP, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा,
कान्हा, संजय गांधी, पेंच, ये सभी एमपी में हैं। और भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान यदि कहीं है तो एमपी में है। एमपी में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 10 है। और आपको दूसरे नंबर पे सबसे अधिक कहाँ है तो अंडमान निकोबार में, यहाँ पर आपको 9 राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये बातें भी आप सब ध्यान पूर्वक देखते चलिए, समझते चलिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला राज्य जो है ये महाराष्ट्र है, ठीक ना, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से आप लोग देखेंगे ये चंदौली, उत्तर प्रदेश के जिले का नाम भी चंदौली है बेटा, गलती नहीं करना। चंदौली राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। पेंच है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच मध्य प्रदेश में भी है और पेंच महाराष्ट्र में भी है। पेंच दो राज्यों की सीमा का निर्धारण करता है। पेंच सबसे छोटा अभयारण्य के रूप में भी हम इसे जानते हैं। ये देखिए गोवा है, और ये गोवा में, गोवा पर महावीर स्वामी है। ये आपको जो है कर्नाटक, कर्नाटक में आपको जो है, कर्नाटक में आप याद रखिएगा बनेरघट्टा, ये सबसे बड़ा तितली अभयारण्य माना जाता है। तितली अभयारण्य, तितली अभयारण्य के रूप में इसे हम सब जानते हैं। बांदीपुर, कुंद्रेमुख, नागर होल, ये सभी आपको यहाँ है। नेक्स्ट देखिए ये केरल है बेटा, ठीक ना, केरल। केरल आपको जो है अनाईमुड़ी, पेरियार, साइलेंट वैली, सर्वाधिक जैव विविधता साइलेंट वैली में ही पाई जाती है। ये भी आप याद करते चलिएगा, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो साइलेंट वैली में। मैं लिख दे रहा हूँ, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता, जैव विविधता आपको यहीं पे पाई जाती है, ये बात आप याद रखिए। ये आपको मद्रास है, और मद्रास से अब हम सब नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, ऊपर से इधर से आ गए हैं। अब देखिए मद्रास में श्री वेंकटेश्वर अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी, मुदुमलाई, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे आपको जो है राजीव गांधी मिलेगा, ठीक ना। तो ये अभयारण्य भी आपको मद्रास में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, ठीक ना, आंध्र प्रदेश आपको जो है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान रामेश्वरम, जिसे राजीव गांधी, ये इंदिरा गांधी था बेटा, ये इंदिरा गांधी है, ठीक ना, इंदिरा गांधी याद रखिएगा। मधुमलाई को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते हैं। और रामेश्वरम ये आपको जो है कि रामेश्वरम ये जो है कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। यही पे श्री सैलम, श्री सैलम भी याद कर लेना, श्री सैलम राष्ट्रीय अभयारण्य, सैलम राष्ट्रीय अभयारण्य जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य के रूप में हम सब जानते हैं। महावीर हरिणा राष्ट्रीय उद्यान, और हरिणा और मुग्रावानी ये आपको कहाँ है तो ये आपको तेलंगाना, तेलंगाना याद रखना, तेलंगाना राज्य में आपको जो है महावीर हरिणा और मुग्रावानी, ये महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो गोवा में, और महावीर हरिणा कहाँ है तो तेलंगाना में, ठीक ना, ये याद रखिए। नेक्स्ट देखिए आप सबके लिए ये आपको है छत्तीसगढ़, क्या है, छत्तीसगढ़ के रूप में है। और यहाँ से इंद्रावती गुरु घासीदास और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक। नेक्स्ट वहीं पे आप आएंगे तो ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा, और उड़ीसा में आपको क्या है, भितरकनिका सिमलीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य, ये आपको जो है के उड़ीसा में स्थित है। ये झारखंड में बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है, ठीक ना, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, वहीं पे ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के रूप में इसे जानते हैं। यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा, जलदा पारा, ये सभी आपको यहीं पे है। वहीं आप यदि बात की जाए आपसे, ये देखिए बात की जाए यदि कि आपको जो है कि अंडमान निकोबार में ये कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार, ठीक ना, अंडमान निकोबार में तो कैंपबेल, रानी 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 झांसी मरीन, सेंडल पेक, महात्मा गांधी मरीन, तो ये सभी मरीन आपको कहाँ है, अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार में कुल 9 राष्ट्रीय अभयारण्य आपको पाए जाते हैं। अब देखिए आइए इधर से हम लोग यहाँ तक हो लिए, अब ऊपर से फिर एक बार चलते हैं। ये देखिए ये आपको जो है हिमाचल प्रदेश है, ठीक ना,
हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से बेटा आप देख सकते हैं बृहद हिमालय है, खीर गंगा राष्ट्रीय अभियान ये आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए ये उत्तराखंड है बेटा, उत्तराखंड, और उत्तराखंड में जिम कार्बेट, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटे, नंदा देवी, ये सभी उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपको दुधवा माना जाता है, और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेटा वाल्मीकि माना जाता है। ये देखो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन तीनों राज्यों में और गोवा, ये चारों राज्यों में एक एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, जबकि पंजाब में एक भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है, दिल्ली में एक भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद ये सिक्किम है बेटा, ठीक ना, सिक्किम में आपको कौन से है, तो कंचनजंगा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय अभयारण्य, सर्वाधिक ऊंचाई पर, ठीक, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आपको राष्ट्रीय अभयारण्य कंचनजंगा है। इसके बाद आप देखोगे तो नामदफा, माउलिंग, ये आपको अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में आपको जो है ये महत्वपूर्ण रूप से आप देख सकते हैं। डिब्रूगढ़ सैखोवा ये असम में है, असम में डिब्रूगढ़ सैखोवा, ये आपको नागालैंड में इटांगकी, नागालैंड, ये इटांगकी जो है नागालैंड में है। काबुल लामजाओ मणिपुर में है, मणिपुर, मणिपुर में आपको मिजोरम में मुरलेन और फंगोई, मिजोरम, ये आपको मिजोरम में आपको ये है। वही नोक्रेक जो है ये मेघालय में, नोक्रेक मेघालय, ये सभी आपको जो है कि आप सब देख सकते हैं महत्वपूर्ण रूप से ये सभी राज्य से संबंधित आपको अभयारण्य है, इन्हें आपको याद रखना होगा, ये चीजें याद रख लीजिए। ठीक, आइए हम सब आगे की ओर देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत आपको नेशनल पार्कों तथा वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई। इसी समय 1972 ईस्वी में वैश्विक स्तर पर आपको वन्य जीव पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से एक सम्मेलन हुआ था। उस समय भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और श्रीमती इंदिरा जी के समय में ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये पारित हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा 1972 में। वर्तमान समय में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान, 564 वन्य जीव प्राणी अभयारण्य, 99 संरक्षण रिजर्व है, जो देश के सकल भौगोलिक क्षेत्र के 173,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपको विस्तृत फैला हुआ है, ठीक ना। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिसहाई है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है, जो कहाँ है, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। आपको ये सभी परीक्षा की दृष्टि से आप सब एक बार रिमाइंडर के रूप में याद करते चलिए। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित बन्नी ग्रासलैंड एशिया का सबसे बड़े घास के मैदान में से एक है। इसका कुल क्षेत्रफल आपको 2717 वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना, 2717 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बन्नी ग्रासलैंड आपको जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट, जैव विविधता दिवस हम सब 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि विश्व गैंडा दिवस आपको 22 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में 5 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व बाघ दिवस के रूप में हम 29 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय वन महोत्सव जुलाई और फरवरी के प्रथम सप्ताह के रूप में राष्ट्रीय वन महोत्सव के रूप में आयोजित करते हैं। भारत में कुल जैव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र जो है कच्छ का रण है, और सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र डिब्रूगढ़ सैखोवा, ठीक ना, डिब्रूगढ़ सैखोवा है। भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, ये तमिलनाडु में है। नीलगिरी भारत का 1985 ईस्वी में भारत में प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र की घोषणा की गई थी। भारत का सबसे दक्षिणतम आपको जैव आरक्षित क्षेत्र निकोबार, ग्रेट निकोबार जो है ये सबसे दक्षिणतम आपको माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्राणी विज्ञान संरक्षण
की स्थापना आपको 1 जुलाई 1916 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। कहां पे? 1 जुलाई 1916 को कोलकाता में वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर की स्थापना 1961 ईस्वी में आपको हुआ था और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। ठीक ना, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। ये वेरी वेरी आईएमपी कर लीजिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। भारतीय जैव विविधता अधिनियम जो है 11 दिसंबर 2002 ईस्वी को पारित हुआ, ये भी आपको आईएमपी के रूप में सब लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2010 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। कोलकाता का अलीपुर चिड़ियाघर देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, ये बात भी याद रखिए, और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, ये बात भी आप सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, उन किताबों को जरूर से पढ़िए, शानदार तरीके से आपके सुनहरे भविष्य में ये किताबें काफी सहायक सिद्ध होंगी। तो देखिए, ये अपने हिंदी 299 रुपए में, हमारे अपने हिंदी इसमें 5000 से अधिक आपको प्रश्नों का बैंक मिलेगा, साथ ही चैप्टर वाइज चीजें आपको पढ़ाई गई, एक एक चीजें चैप्टर वाइज इसमें बातें बताई गई हैं, आप किताब को जरूर से परचेज करें। ये वीडियो के आपको जो है बुक 199 रुपए में, इसमें बुक के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। ठीक ना, ये किताब ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी आपको यहाँ उपलब्ध मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, ये पेट की कम्बो बुक, इसमें बुक है प्लस आपको क्या है, प्लस आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें मिलेगा, तो बुक और प्रैक्टिस सेट दोनों परचेज कर सकते हैं। ये सिर्फ बुक है पेट की, आरओ यारो की, ये हिंदी की बुक है बेटा, किसकी? हिंदी की बुक है आरओ यारो की, और इसे शानदार तरीके से इसमें हर एक चैप्टर में 500 से अधिक क्वेश्चन है। ठीक ना, ये 500 से अधिक क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। लेखपाल की ये 4 किताबें हैं, आपको शानदार तरीके से भगा सकते हैं, इसके लिए किसी तरह का कोई भी होम डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना होगा, यानी होम डिलीवरी किसी तरह का आपसे नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अगली महत्वपूर्ण बातों को। अब देखिए, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, जल्दी से फटाफट आप सब एक क्विज के रूप में फटाफट सब लोग करते चलिए, बताते चलिए कुल कितने राष्ट्रीय अभयारण्य हैं भारत में। तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अभी मैंने बताया कि 106 है। नाम भी दिया हाल ही में, ये करंट का क्वेश्चन है, करंट से भी इसे आप रिलेटेड कर सकते हैं। नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत में लाए गए थे, ये आपको कहां पे रखे गए हैं? तो ये आपको कूनो पार्क, ठीक ना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये कहां है, राष्ट्रीय उद्यान में इन्हें बसाया गया है, और ये कहां है? तो ये मध्य प्रदेश में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछना है। ठीक ना, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो जिम कार्बेट है बेटा, ठीक ना, जिम कार्बेट ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहां है? उत्तराखंड में स्थित है। कहां? उत्तराखंड में आपको स्थित है। तो इस तरीके से आप सबने शानदार प्रश्न किया। भारत ने अपना पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा आपको लाया गया। जबकि वन संरक्षण अधिनियम यदि पूछे, वन संरक्षण अधिनियम आपसे बेटा पूछे, तब आप क्या जवाब दोगे? तो बताइएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में आपको आया हुआ है। ठीक ना, 1980 में। बब्बर शेर, जिसे एशियाटिक लायन के नाम से जाना जाता है, ये कहां पाया जाता है? तो गिर अभयारण्य में पाया जाता है। कहां पे? गिर अभयारण्य में, अभयारण्य में ये पाया जाता है। और गिर अभयारण्य कहां है? तो गुजरात में है बेटा। ठीक ना, ये गुजरात में है बच्चा। ठीक, याद करते चलिए सभी लोग। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस हाई जो है, हाई यही भारत का हाई, ये हेमिस हाई भारत का सबसे बड़ा है, और ये कहाँ है? तो लद्दाख में स्थित है हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में आप सबके सामने शानदार तरीके से अगला प्रश्न है। तो ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये क्या नाम है? तो साउथ बटन, साउथ
बटन, ये साउथ बटन कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार, ठीक ना, निकोबार में साउथ बटन आपको स्थित है, ये याद रखिए। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए सुरक्षित माना जाता है, तो ये बाघ के लिए, ठीक ना, ये बाघ के लिए आपको प्रसिद्ध है। ये रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, तो सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में रॉयल बंगाल पाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक ना, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपको स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। देखिए बुक्सा नेशनल राष्ट्रीय पार्क कहाँ, ये बार बार आपको फंसाता है, हाँ ले बुक्सा नेशनल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तब आप बताइएगा बुक्सा नेशनल राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है बेटा, ठीक ना, पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल राष्ट्रीय पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है, तो गंगोत्री आपको जो है गंगोत्री उत्तराखंड में है, तो सीधे सीधे गंगोत्री से पकड़ लीजिएगा, उत्तराखंड में गंगोत्री है और गंगा जी का उद्गम गंगोत्री से हुआ है, इसीलिए इसका नाम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ा है, ठीक ना। तो ये बातें भी आप याद रखिए। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में, ठीक ना, मणिपुर में ये आपको जो है कि स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कोई बताएगा ये आपको किसके लिए प्रसिद्ध है, ये केबुल लामजाओ ये किस हिरण के लिए प्रसिद्ध है, हिरण की एक प्रजाति है जिसके लिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए आप सब, ठीक ना। नेक्स्ट के महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है बेटा, अंडमान निकोबार। चलिए प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से, आप सब मजा आ रहा है, आप सबको मजा आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना, हाथ उठाइए भाई, हाँ या ना में बताइए मजा आ रहा है कि नहीं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ है, ये प्रश्न आपसे पूछा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ है, ठीक। चलिए बताइए नामदफा, तो एकदम रात्रि का समय है, चाय का स्वाद लेते चलिए सभी लोग। नामदफा देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में आपको नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान बेटा उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए, देखना हाथियों के लिए प्रसिद्ध आपको माना जाता है, ये बात भी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट देखो संघाई हिरण ये कहाँ पाया जाता है, अभी सवाल पूछा केबुल लाम जाओ, ठीक ना, केबुल लाम जाओ, लाम जाओ अब राष्ट्रीय अभयारण्य में आपको जो है ये पाया जाता है। केबुल लाम जाओ कहाँ है, तो मणिपुर में आपको है। राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंही गैंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो आपको कौन सा बताइए आप सबके लिए कमेंट बॉक्स में ये, ठीक ना। तब तक सेंट्रल पिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, ये निकोबार में आपको जो है सेंडल पिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। एक सिंही गैंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सब बताइएगा, जवाब नहीं आया अभी तक आप सबका। काजीरंगा बेटा, काजीरंगा, काजीरंगा, ये काजीरंगा कहाँ है, तो असम में है बेटा, ठीक ना, असम में। एक सिंगी गेंडा सिर्फ और सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, ये एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। आजकल एक सिंगी गेंडे को आपको जो है जल्दा पारा राष्ट्रीय उद्यान में भी स्थापित किया जा रहा है, ये बातें भी आप सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट के हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा हिंदी इंडिविजुअल पढ़ाया गया है, इसे आप परिचित कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक ना, जबरदस्त तरीके से उन्होंने पढ़ाया है। और हिंदी की कोई ऐसी टॉपिक नहीं जो उनके द्वारा ना पढ़ाया गया, चूंकि हिंदी के बादशाह मैं इन्हें मानता हूँ, हिंदी के बादशाह हैं, याद रखिए यूट्यूब की दुनिया के हिंदी के बादशाह कोई है तो वो नितिन सर है।
नेक्स्ट देखिए, दिहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ है? तो दिहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान बेटा ये आपको असम में है। कहाँ पे? असम में दिहंग आपको पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। कहाँ पे? नंदा देवी आपको उत्तराखंड में, आपको नंदा देवी उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी है। और अगर बात की जाए ये नंदा देवी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी हाथियों के लिए नंदा देवी है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बेटा कर्नाटक में है। ठीक ना, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, ये बात आप याद करते चलिए। सुंदरवन नेशनल पार्क, ये सुंदरवन नेशनल पार्क आपको कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क। इसी तरह से आपको चूंकि ऑप्शन देंगे तो आप तुक्का मारने के आदि हो गए हैं ना, हो गए हैं ना आप सब, तो तुक्का नहीं मारिए, जबरदस्त तरीके से आप सब दिल के साथ जुड़िए और मन को स्थिर करके किसी भी चीज को पढ़िए, तभी चीजें अच्छे तरीके से बाबू आएगी। कॉपी कलम बार बार मैं कहता हूँ, कॉपी कलम लीजिए, अपनी अपनी नोट्स बनाइए, एक सुनहरा अवसर है, ठंडी का दिन है, नोट्स आप सब शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये नंदन कानन बड़ा ही प्रसिद्ध है। ठीक ना, तो नंदन कानन उड़ीसा में, उड़ीसा में आपको नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। एक ट्रेन भी चलती है नंदन कानन टू दिल्ली, और आपको जो है उसका नाम भी नंदन कानन एक्सप्रेस है। ठीक ना, तो ये कहाँ से चलती है? उड़ीसा से चलती है, और इसे याद रखिएगा नंदन कानन कहाँ है? उड़ीसा में है। जलदा पारा राष्ट्रीय पार्क आपको कहाँ है? जलदा पारा, तब बताइएगा। जलदा पारा राष्ट्रीय पार्क जो है ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में जलदा पारा राष्ट्रीय पार्क आपको या राष्ट्रीय उद्यान आपको स्थित है। साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो ये भारत का सबसे छोटा, ये सब बात बताते चल रहे हैं, सबसे छोटा आपको राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक ना, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, और कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, निकोबार में ये राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरपुर आपको सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? तो याद रखिएगा हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश नहीं मारिएगा, नहीं तो लेडुआ नंबर पा जाएंगे आप सब, जीरो नंबर। ठीक ना, तो जीरो नंबर से बचिए और शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी आपको अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में रानी झांसी मरीन पार्क है। ठीक ना, ये भी याद करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चलिए, ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये बताइएगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि मानस नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये मानस असम में है। ठीक ना, असम में मानस नेशनल पार्क असम में आपको स्थित है। नागा अर्जुन राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ उद्यान है? तो नागा अर्जुन आपको जो है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन श्री सैलम, ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य के रूप में भी इसे हम सब जानते हैं। गुरु घासीदास ये भारत का 53वां आपको बाघ अभयारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में आपको जो है ये बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये बात भी आप याद रखिए। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स के रूप में आपको नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आपको ये नेशनल पार्क मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हम सब जानते हैं। जबकि यूपी का राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सब बताइए ये कौन सा है। तो दुधवा। ठीक ना, दुधवा, दुधवा ये भूलिएगा नहीं सब लोग। ठीक ना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के रूप में है।
डिब्रूगढ़ सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ है, तो ये असम में है, ठीक ना। ये डिब्रूगढ़ सैखोवा आपको कहाँ है, ये असम में है, असम में, ठीक। ये अगर देखें तो सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र, सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में, छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में इसे हम सब जानते हैं, आरक्षित क्षेत्र, ये याद रखिएगा। भगवान महावीर आपको राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गोवा में, गोवा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, गोवा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के रूप में यह है। पेरियार ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, बार बार मैं बता रहा हूँ, हाथियों के लिए प्रसिद्ध, के लिए प्रसिद्ध पेरियार है। और पेरियार आपको कहाँ है, तो ये पेरियार नदी भी है, पेरियार आपको जो है एक नेता भी थे, ठीक ना, ये केरल राज्य में आपको स्थित है। नेक्स्ट चलिए, नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं, ये वही नोट्स हैं जो नितिन सर के द्वारा यूट्यूब पर शानदार तरीके से आपको पढ़ाए गए हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, इंडियन जागरण पे, राजव्यवस्था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी आप लीजिए, ये शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा आपको पढ़ाए गए हैं, इन्हें आप परचेज कर सकते हैं। पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये झारखंड में है, झारखंड में, पहले इसमें बाघ रहते थे लेकिन अब ये बाघ रहित हो गया, ठीक ना। ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का माना जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में ये ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में, दाचीग्राम ये किसके लिए प्रसिद्ध है, हांगुल मृग के लिए, हांगुल मृग के लिए ये आपको जो है प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा। और ये राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पाया जाता है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में आपको जो है ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। समझ में आ रहा है सभी को, तो एकदम रिवीजन जबरदस्त तरीके से। काजीरंगा ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है। हेमिसहाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हेमिसहाई नेशनल पार्क ये लद्दाख में, ठीक ना, लद्दाख में आपको स्थित है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क आपको कहाँ है, तो ये बताइएगा कि कुद्रेमुख आपको कर्नाटक में, कर्नाटक में कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नोक रेक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये कई बार ऊंचाई पर स्थित है। नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान आपको जो है ये कहाँ पाया जाता है, तब आप क्या जवाब देंगे, तो बताइएगा कि मेघालय राज्य में आपको नोक रेक पाया जाता है, मेघालय, ठीक ना, मेघालय ये कहाँ है, नोक रेक है। साइलेंट वैली ये कहाँ है, साइलेंट वैली, तब आप बताइएगा कि साइलेंट वैली आपको केरल में पाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता आपको साइलेंट वैली में ही पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता, ये भी याद रखिए, जैव विविधता, विविधता कहाँ पाई जाती है, तो साइलेंट वैली में ही पाई जाती है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये आपको कहाँ है, तब बताइएगा कि ये राजस्थान में है और बाघ के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, बाघ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। एक याद रखिएगा, केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य ये भी कहाँ है, राजस्थान में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और आपको रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। नेक्स्ट देखिए, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली नहीं, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश का जिला भी है चंदौली, लेकिन चंदौली राष्ट्रीय उद्यान बेटा महाराष्ट्र में है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में चंदौली राष्ट्रीय है। और इंदिरा आपको, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको चीते के लिए हाल ही में प्रसिद्ध है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है बेटा, ये भी आप याद रखिए, मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट, बनेरघट्टा ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बनेरघट्टा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको जो है तितली के लिए, तितली के लिए, तितली, ठीक ना, तितली के लिए ये प्रसिद्ध है और भारत का प्रथम तितली अभयारण्य है, ठीक ना, प्रथम तितली अभयारण्य, तितली अभयारण्य,
रन है, ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है, कर्नाटक में, ठीक ना, कर्नाटक राज्य में है। आपको फवांग, कवांग नहीं बेटा, फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ है, तो फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है, कहाँ पे, मिजोरम में, मिजोरम में फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान है। और कान्हा कहाँ है, तो कान्हा जी आपको जन्म तो लिए थे मथुरा में, लेकिन म से मथुरा, म से मध्य प्रदेश, ठीक ना, ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको है। तो आज 51 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में और सभी राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में मैंने आज आप सबको छोटे से क्लास में बताने का प्रयास किया। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, खूब मजा भी आया होगा। तो इसी तरह आप 9 बजे की श्रृंखला के साथ हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, आपको तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार।